अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। एक बात समझ में नहीं आ रही कि बम यहाँ सुनसान जगह पे क्यों फोड़ा गया। ना तो आसपास ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई आदमी है। शायद ये ब्लास्ट किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। तो फिर क्या बात हो सकती? कहीं कोई खतरनाक बात तो नहीं होने वाली? और ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया गया? सर हाँ? ये देखिए क्या मिला। सूटकेस का लॉक है जो बम फूटने की वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इसका मतलब बम सूटकेस में लाया गया था। सर आप फ्रेडरिक्स? सर ये बस का टिकट मिला है। बस का टिकट? मगर ये तो किसी का भी हो सकता है। सर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप में जाके पता कर ही लो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जरा टिकट देख। हाँ साहब ये टिकट हमारे आखिरी बस का ही है। अरे यार ये टिकट उसने फेंका होगा, वो अपना गोपाल है ना। हाँ। वही जाता है उस सुनसान रस्ते से। आपको कैसे मालूम? टिकट पे गोपाल का नाम थोड़ी ना लिखा हुआ। साहब आखिरी बस है, रात को एकदम खाली होती है, सिर्फ गोपाल ही सफर करता है इस बस में। रात की ड्यूटी करता है ना। ड्यूटी करता है कहाँ पे? वो बृंदा मिल है ना पास में, वहाँ वॉचमैन है। आप अभी चले जाइए, मेरा नाम लीजिए, वो बात करेगा। क्या यहाँ बम फटा? जी हाँ गोपाल जी। एक बात बताइए गोपाल जी, आप हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं? जी साहब शॉर्टकट है ना, रात को डर तो लगता है मगर इतनी दूर घूम के जाएगा कौन साहब। आज रात आपने उस जगह के आसपास किसको देखा था? जी साहब एक सफेद रंग की गाड़ी रुकी हुई थी, शायद उसका टायर पंचर हो गया था। कोई था उस गाड़ी में? हाँ सर एक आदमी था, मगर ये समझ में नहीं आया कि इतनी रात है वो आदमी वहाँ आया ही क्यों था। अच्छा उसकी उम्र क्या होगी, वो दिखने में कैसा था? दिखने में छोटे कद का था साहब, उम्र 35-40 साल की होगी। ठीक है शुक्रिया। ऐसे भी साहब बॉम्ब पुराने किस्म का था और किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जो केमिकल्स के बारे में काफी कुछ जानता है, अनाड़ी नहीं है सर। ये बॉम्ब कितना पावरफुल था? काफी पावरफुल था, एक तो बिल्डिंग तो आराम से उड़ जाती। उस जले हुए लॉक से कुछ पता चल सकता है क्या? मुश्किल है, वो एक साधारण सा लॉक है किसी सस्ते से सूटकेस का। एक काम करो टीवी और रेडियो पे जल्दी से जल्दी न्यूज दे दो कि झानू नगर में जो बॉम्ब फटा है उस सिलसिले में हमें 35-40 साल के आदमी की तलाश है। वो सफेद मारुति चलाता है और उसे केमिकल्स के बारे में काफी जानकारी है। अब टीवी देखने मत बैठो, चलो वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ बस 2 मिनट मम्मी। Thank you.
आम जनता के लिए एक विशेष सूचना। अगर आप में से किसी ने झानुर नगर के पास किसी 30-35 साल के आदमी को एक बादामी रंग के बैग के साथ देखा है तो जल्द से जल्द CID से संपर्क करें। ये आदमी एक सफ़ेद गाड़ी चलाता है। इस आदमी को केमिकल्स की अच्छी जानकारी है। इस आदमी का कल रात हुए बम विस्फोट से संबंध है। मम्मी जरा देखो क्या बता रहे, क्या बात है बेटे? इसके बारे में कोई भी सूचना मिलते ही CID को इन नंबरों पर संपर्क करें। सर लगता है जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हैं वो राजेश है, हमारे पड़ोस में रहता है। ये आपको कैसे पता चला? मेरे बेटे ने मुझे बताया। आपके बेटे ने? बड़ा स्मार्ट बच्चा है आपका बेटे, तुम्हें कैसे पता चला? अंकल, राजेश अंकल के पास एक पुरानी सफेद गाड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजेश ही वही आदमी जिसने बॉम्ब एक्सप्लोड किया? अंकल सर, वो क्या है कि पिछले साल एक एक्सीडेंट में राजेश की पत्नी की और उसके बेटे की मौत हो गई। तब से उनकी दिमागी हालत कुछ खराब हो गई है, एकदम चुप चुप से रहते हैं। पर वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस बच्चे से राजेश को बहुत प्यार है। उनके बेटे विजू और इसकी अच्छी दोस्ती थी। इस बच्चे में उन्हें अपना बेटा विजू दिखता होगा। मगर पिछले 2-3 दिन से वो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहे थे। कल रात जब मैं उनके घर गया तो सोनू, आओ आओ। कैसे बेटे? ठीक अंकल। अंकल आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ। सुनो ये सब रख लो, विजू का जो सामान है सब रख लो बेटा, जो चाहिए रख लो बेटा। पर क्यों अंकल, जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इनके साथ खेलता हूँ, तो मैं इन्हें घर क्यों ले जाऊँ? सुनो अब मैं जा रहा हूँ ना। अंकल जब आप वापस आओगे तब मैं खेलूंगा। नहीं सुनो, शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो वो रो रहे थे? हाँ वो मुंह उधर करके रो रहे थे। और वो अपने बेटे की सारी चीजें भी तुम्हें दे रहे थे? जी। अच्छा आपको कुछ याद है कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट पिछले साल कब हुआ था? ये आजकल के ही दिन थे। अरे हाँ आज ही का तो दिन था, आज ही तो एक्सीडेंट हुआ था। बेटा वो दोनों बैग बादामी रंग के ही थे ना? जी। ये राजेश काम कहाँ करता है? 8-9 महीने से उन्होंने काम पे जाना ही बंद कर दिया था। और उससे पहले? उसके पहले क्या नाम था वो कंपनी का बेटे? जिपिंग केमिकल्स। हाँ जिपिंग केमिकल्स। जिपिंग केमिकल्स, इसका मतलब केमिकल्स की अच्छी जानकारी है। जी वो केमिकल इंजीनियर है। आप हमें राजेश का घर दिखाइए। कौन सा है? ये वाला। राजेश, राजेश पता नहीं घर में है भी या नहीं। तोड़ दो दरवाजा। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, देखो अच्छी तरह से देखो। अभिजीत उस तरफ जाओ, जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए कि ये वही आदमी जिसकी हमें तलाश है। अच्छी तरह से देखो सुधाकर। ओ, बॉटल्स। लगता है ये वही आदमी है। केमिकल्स की बॉटल हर जगह फैली हुई है। पावर, टाइमर, ट्रिगर, एक्सप्लोसिव। बॉस हम बम बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री में पहुंच गए। सर घर में बहुत सारी केमिस्ट्री की किताबें भी हैं। सर बम का डिजाइन भी यहीं से आया होगा। और अगर सर बॉम्ब इसी डिजाइन का है तो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होगा।
सर। हाँ आशा। सर ये कैलेंडर देखिए। क्या है? 21 जून आज की तारीख। आज की तारीख निशान लगा रखा है। सर इसकी फैमिली का एक्सीडेंट आज के दिन ही हुआ था। यही कुछ गड़बड़ है। वो एक साल पहले का एक्सीडेंट और आज जो बम फटा, इन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मगर सर ये 1:30 बजे और 6:48 का क्या मतलब हो सकता है? 1:30 बजे तो बम फटा था ना आज। 6:48 कहीं 6:48 का मतलब ये तो नहीं कि एक और बॉम्ब 6:48 पे फूटने वाला है। माय गॉड। और सर वो बच्चा भी तो कह रहा है कि उसने राजेश को एच जैसे 2 सूटकेस के साथ देखा था। मगर सर आज ही के दिन क्यों? और ये बॉम्ब फटेगा कहाँ? ये कैसे पता चलेगा? डॉक्टर सर ये सब देख के क्या पता चल सकता है कि 2 बॉम्ब बने हैं? नहीं ये कहना तो बहुत मुश्किल है सर। हाँ सुधाकर ये फोटो मिली है, शायद राजेश की है। फ्रेडिक्स पड़ोसियों को बुलाओ। राजेश के घर में राजेश का ही फोटो होगा ना? आइए देखिए यही राजेश है ना? हाँ ये राजेश है, ये उनकी पत्नी और ये उनका बेटा विजू। आपको राजेश की गाड़ी का नंबर मालूम है? MKR 7S202। MKR 7S202। अभिजीत गाड़ी का नंबर और ये फोटो जल्दी से जल्दी टेलीविजन पर दिखाओ और बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म करो कि हम जहाँ भी जाएंगे वो लोग हमारे साथ रहेंगे। हमें राजेश के ऑफिस जिपिंग केमिकल जाना चाहिए, हो सकता है वहीं से कोई सुराग मिल जाए। क्या बात है सीबी साहब, आप राजेश की इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कर दिया उसने? हाँ कर दिया लेकिन हम बता नहीं सकते। मैं समझ गया, जरूर कुछ गड़बड़ की है उसने। मुझे तो लगता है वो आदमी बिल्कुल पागल हो गया था। वैसे ये इसका दोस्त है जीवन, पूछिए उससे। जीवन आप राजेश के बारे में क्या जानते हैं? अब क्या बताऊं साहब, अपनी बीवी और बच्चों की मौत के बाद वो बस अकेला रहता था, हमेशा हमेशा गुस्से में रहता था साहब। जब मैंने देखा कि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है तो मैंने उसे एक डॉक्टर से मिलने की सलाह दी, एक साइकेट्रिस्ट से। तो क्या हो गया था मिलने? जी हाँ सर। डॉक्टर का नाम जानते हैं आप? डॉक्टर आनंद सर। डॉक्टर आनंद आपके पास एक पेशेंट आया करता था 10-11 महीने पहले, राजेश। आप कुछ मालूम है इसके बारे में? राजेश? जी हाँ। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या उसने कुछ कर दिया? लगता है वो कुछ खतरनाक करने वाला है। क्या? ये तो मालूम नहीं। देखिए राजेश जब मेरे पास आया था तो उस एक्सीडेंट का गुस्सा उसके दिमाग में बारूद की तरह भरा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की ठंडा करने की मगर नहीं। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि वो खून कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। वो कहा करता था कि किसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और वो उससे बदला लेकर रहेगा। किससे? नाम तो बताता ही नहीं था, सिर्फ इतना बोला कि एक दिन 6:48 पर सारी दुनिया को पता चल जाएगा। 6:48 पे? ठीक से याद है आपको? हाँ बिल्कुल, दो ही बातें तो उसके दिमाग में थी, एक बदला और दूसरा 6:48। हेलो, क्या गाड़ी मिल गई? वेरी गुड, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। राजेश की कार मिल गई है। गाड़ी 20 मिनट पहले मिली है और इसके ड्राइवर का कोई पता नहीं, और गाड़ी में कोई दूसरा बम दिख नहीं रहा है। मुझे लग ही रहा था। नहीं सर, गाड़ी में बम नहीं है, बिल्कुल खाली है। देखा, अगर राजेश ने किसी को मारने के लिए बम बनाया होगा तो सर वो यहाँ खाली जगह पर बम क्यों रखेगा? करेक्ट, वो एक्सीडेंट और 6:48 उसके दिमाग में बैठ गया। लेकिन वो बदला लेना किससे चाहता है? सर वही चलकर देखते हैं पिछले साल वाले एक्सीडेंट की जगह पर जहाँ उसकी फैमिली मारी गई थी। यस।
इस इलाके को अच्छी तरह छान मारो, सब दुकान वालों से, घर वालों से सबसे पता करो, शायद किसी ने राजेश को कल या आज नहीं देखा हो यहाँ पर। मगर राजेश बॉम्ब यहाँ क्यों रखेगा? उसका दिमाग खराब है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये 6:48 का चक्कर मेरे दिमाग में घूम रहा है, 6:48 को ही बम फूटेगा। 2 घंटे बचे, हरी अप, जल्दी। हाँ बिल्कुल, एक मिनट जल्दी जल्दी। सुनिए, हाँ जी, इस आदमी को पहचानते हैं? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ आया करता है। अच्छा, बेचारे का बीवी और बच्चा दोनों मारा गया यहाँ पर। वो हमें पता है, और कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? टैंकर उस दिन ऐसा आया था कि उसने बस स्टॉप पर खड़े सारे लोगों को टक्कर मारी और सब मारे गए साहब। वो बात याद आती है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। ये देखिए, ये मेरा हाथ भी उसी घटना पर चला गया था, मैं भी वहां खड़ा था। फोन करो, जल्दी जल्दी करो, आप लोग पीछे हटिए। आप लोग बैग का रंग बदामी है, पीछे। नहीं रुक जा, नहीं साहब, रुक जा बोलता हूं मैं, नहीं साहब रुक जा वरना गोली चला दूंगा, नहीं साहब रुक जा, नहीं साहब, नहीं साहब। सर अंदर से तो कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। काट दो, मैं काट दूं। चोर साहब, चोर साहब, चोर है। अब कुछ नहीं किया साहब मैंने। वो सूटकेस क्यों छोड़ा? मैं चोर साहब। क्या उसमें? चोर साहब ने सूटकेस में क्या? सर बैग में तो कुछ नहीं है। और होगा भी नहीं। नहीं साहब, नहीं साहब। एक मामूली सा चोर है, ये बैग लेके भाग रहा था, इतनी सारी पुलिस को देख के घबरा गया, बैग छोड़कर भागने लगा। ठीक है, हटाओ सर, हटाओ, ले जाओ इसे। चलो अच्छा हुआ इस बार वैसी कोई बात नहीं हुई, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। साहब नुकसान तो पिछले साल भी हो सकता था बहुत। क्या मतलब? साहब उन दोनों यहाँ सर्कस चल रही थी और बस स्टॉप पर बहुत भीड़ होती थी, अगर 6 बजे के करीब टैंकर बस स्टॉप से टकराता तो बहुत लोग मारे जाते साहब। सर्कस 6 बजे शुरू होता था क्या? जी हाँ साहब। और एक्सीडेंट का टाइम था 6:48। राकेश की पत्नी और बेटा तो सर्कस देखने के लिए आए थे, तो बस स्टॉप पे क्या कर रहे थे? शायद राजेश का इंतजार कर रहे होंगे, उसे देर हो गई होगी। इतनी देर? इसका मतलब अगर राजेश की पत्नी और बेटा सर्कस देखने चले जाते तो शायद नहीं मरते। मगर राजेश को यहाँ आने में इतनी देर क्यों हुई थी? सर उस दिन राजेश को देर मोहन की वजह से हुई थी सर। वो कैसे? उस दिन मोहन ने जानबूझकर राजेश को 6:15 तक ऑफिस में बिठाए रखा सर। क्या उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा हुआ था? बहुत पहले साहब, बस तब से मोहन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया सर। अगर उस दिन मोहन ने राजेश को टाइम पर जाने दिया होता तो आज उसकी बीवी और बच्चा जिंदा होते सर। सब सब मोहन की वजह से हुआ सर। मोहन, हमें जल्दी से जल्दी मोहन के घर का पता और टेलीफोन नंबर दो। ठीक है सर। कल रात हुए बम विस्फोट के बारे में कुछ और जानकारी। रात को हुए विस्फोट की तहकीकात में CID को कुछ और सुराग मिले हैं। इस बम का विस्फोट करने वाले की पहचान हो गई है। यह आदमी करीब 30-35 साल का है, इसका रंग गेहुआ है,
और इसके बाल छोटे और घुंघराले हैं। ये सुरेंद्र नगर वाले इलाके में रहता है। इसका फोटो अच्छी तरह से पहचान ले। जी मोहन साहब हैं घर पे? जी मेरा नाम राजेश है, ऑफिस का कुछ काम था मुझे। लेकिन इस वक्त तो वो घर पे नहीं है। एक काम कीजिए, आप अंदर आके बैठिए ना प्लीज। और राजेश मोहन के घर पहुंच जाता है। क्या मकसद है राजेश का इस सब के पीछे और कौन कौन होगा शिकार होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट का? क्या सीआईडी इस बॉम्ब ब्लास्ट को रोक पाएगी? जानने के लिए देखिए सीआईडी का अगला एपिसोड, किस्सा 6:48 का।